गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द सेकंड डे। आज मैं दूसरे दिन अपना व्लॉग बना रहा हूँ। पंडित बिरजू महाराज जी के घर जाना है, उनसे काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं, तो महाराज जी ने कहा, तो मैं भी बड़े दिनों से सोच रहा था महाराज जी से मिलने जाऊँगा, तो अभी निकला हूँ घर से। संडे का दिन है, तैयार होने का दिल नहीं करता वैसे संडे को, हालांकि आजकल तो कभी भी तैयार होने का दिल नहीं करता, सारे दिन ही संडे निकल रहे हैं। मैं ये ZV-1 कैमरा पे अपना व्लॉग बना रहा हूँ, न्यू ट्राई कर रहा हूँ कि क्या क्वालिटी है इसकी। हालांकि मुझे इसमें सारे एंगल्स देख रहा हूँ और दूर, सबसे दूर भी करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइड शॉट नहीं मिल रहा है। आज इसका माइक भी टेस्ट होएगा और मैं रोड गो 2 पर भी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ ही, जो मैंने गाड़ी में माइक ऊपर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है वो माइक, सोनी ZV-1, जो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा इन द वर्ल्ड है एट द मोमेंट। मुझे व्लॉग में शूट करने में मज़ा आता है, बाकी इसमें तो अच्छी फिक्स प्रोफाइल्स हैं, हालांकि मुझे बैकग्राउंड्स थोड़ी सी ओवर लग रही हैं, शायद इसलिए भी कि मैंने ISO ऑटो पर रखी हुई है, बट लेट्स सी। काफ़ी दिन हो गए, एक बारी पहले भी मेरी महाराज जी से बात हुई थी कि मैं आना चाहता हूँ, तो महाराज जी ने मुझे टाइम भी दिया था, बट कुछ गड़बड़ हो गई थी उस दिन, तो मैं जा नहीं पाया, उन्होंने महाराज जी को सॉरी भी कहा था। तो आज मैं बस घर से निकला हूँ, अभी अराउंड ज़्यादा दूर नहीं है महाराज जी का घर मेरे घर से, तो अराउंड 10-1 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा होपफुली। देवधारा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने 2 दिन का, तो मैं फर्स्ट डे तो नहीं गया था, बट सेकेंड डे मैंने उनसे पूछा अगर फोटोग्राफी परमिटेड हो तो मैं आज शाम को जाऊँगा, ने 2 साल के बाद एक लाइव परफॉर्मेंस देखनी है, इसमें पंडित राजेंद्र गंगानी जी का सोलो है, तो मुझे उनको शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। लेट्स होप मैं जाऊं, प्लान तो है अभी तक शाम को जाने का, आगे देखिए कैसे होता है। ये एक हाथ में पकड़ के व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं ज़रा कंफर्ट ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका, कैमरा का ग्लास माउंट हो, मेरा ग्लास में माउंट तो है लेकिन आई ट्राई लेटर। अरे वाह, आज तो ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका अभी, तो ना मैंने कोई रेड लाइट क्रॉस करी थी ना कुछ, तो उन्होंने पोल्यूशन चेक अंडर सर्टिफिकेट मांगा पोल्यूशन कंट्रोल का, एंड मेरे पास था तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चेक किया और मुझे जाने दिया। समहाउ जब भी ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं एक ऑटोमेटिक सा गुस्सा चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, जबकि आपने कुछ गलत ना किया हो। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कोई बहस नहीं करनी पड़ी, मुझे लगा कि मैं कहीं महाराज जी के घर का रास्ता मिस टर्न मिस ना कर दूं, मैं करने ही लगा था वो जैसे वो गाड़ी एकदम रोड पे लाए थे, बट नहीं मिस हुआ। सो आई रीच्ड महाराज जी होम, अब महाराज जी से अंदर जाके मिलते हैं, अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगा। सी यू, रीच महाराज जी होम, एंटरिंग नाउ। और जैसे मैंने बोला था जी, मैं गाड़ी में बता रहा था कि मैं महाराज जी के घर जा रहा हूँ, और बड़ा आई फील वेरी ऑनर्ड कि महाराज जी ने मुझे ये परमिशन दी कि मैं शूट कर सकूँ उनके साथ ये व्लॉग, क्योंकि मैंने महाराज जी के साथ फोटोज़ बहुत खिंचवाई है, मेरी वीडियो कोई नहीं बनी कभी, नहीं तो कभी भी नहीं बनी महाराज जी। आज आपको मैंने एक नया, अब मैं आपका कैमरा देखने आया था और आपको एक नया कैमरा भी दिखा दिया जिससे मैं शूट, ये इसमें अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा आसान कर दिया है जी, इजी कर दिया। हाँ जी, जी इसमें इतनी इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं, इतने फंक्शंस हैं कि मज़ा आ जाता है। ये मैंने महाराज जी के साथ वीडियो बनाई है जो कभी नहीं मेरी बनी थी, और महाराज जी ने ये कैमरा देख के कहा, भाई मैंने अभी दूसरा लिया और तुम मुझे ये कैमरा दिखा के लालच दे रहे हो। महाराज जी को, आपको बता दूं, महाराज जी को कैमरास और इक्विपमेंट का बहुत शौक है, इतने कैमरास मेरे पास नहीं है जितने महाराज जी के पास गैजेट्स और इक्विपमेंट्स, और मैं जब वो देखता हूं तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है देख के कि क्या क्या चीज़ें हैं महाराज जी के पास। बचपन से भैया मुझे ये आप समझो कि जब मैं छोटा था तो अम्मा को मैं कहता था कि मेरे पिताजी अब तो गुजर गए थे, तो मैं काम कि बेटा क्या करोगे, अम्मा तुम्हें भूखा तो नहीं रखूँगा, मैं मैकेनिक बन जाऊँगा, और
जाके गाड़ी के नीचे घुस के और सब ठीक करूँगा, और कोई भी मेम साहब आएंगी तो मैं कहूँगा मेरे बाएं हाथ का खेल बंद हो गई, गाड़ी खोल देता हूँ, एक हाथ लगाऊंगा और फिर कहेंगे पैसे क्या हुए, पैसे से क्या गया, नहीं तो बाएं हाथ का खेल, ये तो जाओ लेके जाओ। मतलब ये बड़ा बचपन से मुझे जब दूसरे खिलौने जब बोले अम्मा के खिलौना खरीद लो, फिर तो वो जो मिट्टी के खिलौने थे ना जी, तो मैं अम्मा से कहूँ ये तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे जी, टूट जाएंगे, मुझे लोहे की चीज़ दिलाओ जैसे जो टूटे नहीं, तो लोहे का झूला लोहे का कुछ भी। पर मैं बचपन से कभी भी ऐसी वाली चीज़ नहीं लेता था जो मजबूत ना हो। अच्छा, पतंग का शौक साथ साथ, अब पतंग में जितनी दूरी जाती थी मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं कितनी दूर तक गया हूँ कितना दूर तक गया हूँ और वहाँ से कैसे पेच लड़ा के और कैसे वापस आया हूँ, ये मेरा बहुत बचपन से शौक, बहुत थोड़ा है पतंग, बहुत ही ज़्यादा ही। अम्मा बल्कि कहती थी अरे एक आँख बंद रहती, सूरज निकलता था तो ऐसे करके उड़ाता था, एक आँख छोटी हो जाएगी बिना जो कैसे। मैं कमरे के अंदर घुस जाता था, मेरी डोर पतंग ऊपर चढ़ी हुई और मैं कमरे के अंदर और वहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरे पतंग गिरे कि नहीं। ये व्लॉग्स मुझे जो महाराज जी ने इसमें मुझे हमें बताया, मैं एक्चुअली स्क्रीन को देख के बोल रहा हूँ जबकि मुझे कैमरे को देख के बोलना आदत नहीं है ना, कैमरे को देख के बोलने की। तो महाराज जी ने जो बातें बताई हैं शायद आपने ना सुनी हो, मैंने भी नहीं सुनी थी, बट शायद इसी से महाराज जी का वो जो पतंग दूर तक उड़ेगी वो महाराज जी ने कहा ना, तो इतनी आगे अब महाराज जी भी उसी पतंग की तरह है कि जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, कैमरा की बैटरी जितनी देर रहेगी। और जो थैंक यू महाराज जी, मुझे भी लालच दे रहे हो, थोड़े दिन पहले मैंने कैमरा लिया। हाँ जी, और मैं वो महाराज जी वो कैमरा भी देखने आया हूँ कि निकॉन वाला जो आपने लिया है, और जिस टाइम महाराज जी ने वो कैमरा लिया था मैं अमृतसर में था, तो मैं वो देख नहीं पाया, बट मैं स्पेशली आया, मैंने कहा महाराज जी वो कैमरा तो दिखाइए जो आपने लिया। और आजकल वैसे महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वो हो रही है, मुझे भी बड़ी होती है जब मैं महाराज जी के गैजेट्स देखता हूँ कि इतने तो मेरे पास नहीं रखे हुए जो जिसका रोज का काम है जितने महाराज जी ने चीज़ें रखी, और पुरानी पुरानी ऐसी ऐसी जो देखी भी नहीं है कभी, बट आज वो कैमरा देखने आया। अरे वाह, इससे व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस हो जाती हैं, फेसबुक चल जाता है, ऊपर ऑटो फोकस कैमरा जैसे आप प्रोग्राम में फोकस करते हैं क्लोज, हाँ, फिर ये अपने आप मूवमेंट देख के करता है। महाराज जी अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आप ये कैमरा देखे, मुझे तो ये चीज देख के हो गया कि ये क्या चीज है, ऐसी तो मुझे भी चाहिए। महाराज जी वो जगजीत सिंह जी की एक गजल है ना, उसकी एक शेर था जिसमें उन्होंने गाया और किसी ने लिखा है कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो मैं भी अब आपका वो देख रहा हूँ तो मुझे उसकी जरा डिटेल बताइएगा ये क्या चीज है, हालांकि मेरी तो कोई क्लासेस नहीं होती लेकिन अच्छा लगता है मन को, मतलब कोई चीज कामयाब हो मजा आवे तो उसके लिए बड़ा अलग से वो लगता है। मैं हरदम इंतजार करता हूँ अब कि कौन क्या लाएगा। तो महाराज जी मैं आता रहा करूंगा आपके पास नई नई चीजें लेके और नई नई चीजें देखने, बिल्कुल मजा आएगा उसमें। देखिए आप, देखिए। चलिए महाराज जी से मैं वैसे बगैर कैमरे के थोड़ी बातें करूंगा, बाकी आपसे मिलते हैं वापसी पे जब मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकेगा। थैंक यू। कॉल इनी सिंह ऑन व्हाट्सएप, कॉल इनी सिंह ऑन व्हाट्सएप, राइट? यस, कॉलिंग इनी सिंह। कितना एरिया कवर कर रहा है। अरे वाह, और मैं भी हूँ वीडियो में। और यहाँ पे महाराज जी का फोन भी आ गया। एंड नाउ आई एम लीविंग, महाराज जी के घर से मैं निकल रहा हूँ, और जो महाराज जी ने मेरे साथ व्लॉगिंग करी है मज़ा आ गया। एंड आपको दिखाता हूँ इसके बाद एडिटिंग में। अब मैं घर की तरफ निकला हूँ महाराज जी के यहाँ से होके, काफ़ी मज़ा आया महाराज जी से इतने दिनों बाद मिला, बड़ी बातें हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। महाराज जी ने गैजेट्स दिखाए, महाराज जी ने एक गैजेट दिखाया फेसबुक पोर्टल करके, आई वाज सो एक्साइटेड टू सी इट कि मैंने कहा महाराज जी मेरी तो क्लासेस वगैरह नहीं होती लेकिन अगर होती तो मैं ज़रूर ये लेता अपने लिए, बट दे कैन एज अ डिसाइपल ऑफ हिज उनके लिए अमेरिका से लेके आए हैं, तो मैंने तो ये गैजेट यहाँ पर देखा भी नहीं है और या उसकी एडवर्टाइजिंग भी नहीं देखी कुछ। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू सी दैट इट हैज़ अ बिल्ट इन कैमरा, बड़ा अच्छा स्पीकर है उसी के अंदर, उसके अंदर कैमरा लगा है, उसी के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है, इट्स लाइक अ टैबलेट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन महाराज जी कॉल्ड मी फ्रॉम दैट टैबलेट ऑन माई फोन, और वो वाईफाई के थ्रू व्हाट्सएप कॉल भी होती है, वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैंने महाराज जी को बताया कि आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू कैमरा दिस मॉर्निंग जस्ट टू मेक व्लॉग्स, क्योंकि आजकल मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है
और मैं कुछ चीज़ें ऐसी करता भी रहता हूँ जो शायद आपको इंटरेस्ट करें. तो एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सच थिंग्स. सो मैंने कहा, मैंने महाराज जी से इजाज़त ली कि अगर वो इजाज़त दें तो मैं उनके साथ व्लॉग शूट करूँ. एंड ही वॉज सो हैप्पी टू, एंड आई वॉज सो यू नो प्लीज्ड एंड ऑनर्ड टू गेट हिज इनपुट्स. और उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेशन भी किया. मेरा जो मैंने कैमरा लिया था उसकी बैटरी डाउन हो गई अभी, तो मैं ये वाला शॉट जो है ये मैं अपने फ़ोन पे ही ले रहा हूँ. दिस इज काइंड ऑफ लुकिंग ओके टू मी एंड आई एम अबाउट टू रीच. एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप व्लॉग करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो आपको भूख लग जाती है. तो अब घर चल के कुछ खाया जाए, भूख लग गई है. शाम को जाना है कमानी प्रोग्राम देखने. शायद प्रोग्राम्स पब्लिक के लिए भी खुल गए हैं ऑडिटोरियम में, क्योंकि वो जो फेस्टिवल हो रहा है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. नाउ आई फील आई अननेसेसरीली इन्वेस्टेड इन दैट व्लॉग कैमरा. मैं तो फोन पे ही बना लेता हूँ. चलिए घर आ गया. अब आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक द वीडियो एंड शेयर विद यू ऑल. अब मुझे शाम को जाना है. अच्छा कॉम्पनसेट अच्छा कर रहा है लाइट के लिए.